दोस्तों आज की वीडियो हम बात करेंगे सब टाइटल प्लेयर वगैरह से, कैसे आप जो कि पॉइंट्स पाते हो और सब टाइटल प्लेयर रखने के क्या फ़ायदे होते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो अंत तक देखने के बाद आपको पूरा डिटेल्स में पता चल जाएगा सब टाइटल प्लेयर का। और आपको हमने बैकअप एड्स के बारे में ही बता ही दिया है, लेकिन सब टाइटल प्लेयर आपको कितना काम आ सकते हैं आज हम वीडियो बताने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों आपको बता दें, सब टाइटल प्लेयर आप देखने को मिल जाते हैं, जो कि सब टाइटल प्लेयर काफ़ी ज़्यादा काम के आते हैं। और सब टाइटल प्लेयर आप जब यूज करते हो तो समझ लीजिए कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं क्रिएट टीम हम करते हैं, क्रिएट टीम जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे देखिए लास्ट प्लेयर मैच भी होते हैं, प्ले मैच है, नॉट प्ले वाला भी होते हैं। और देखिए कुछ इसमें सब टाइटल भी वाला भी प्लेयर देखने को मिल जाते हैं, जो कि अभी सब टाइटल प्लेयर अभी देखने की, देखिए जैसे कि वेंकटेश अय्यर को सब टाइटल रखा गया था, तो प्लेयर लास्ट में जो सब टाइटल में यानी खेला था, अभी इनको हम मानिए सब टाइटल प्लेयर रख लेते हैं। और इन प्लेयर का सब टाइटल का मतलब ये हो जाता है कि हम उन टीमों को भी प्लेयरों को रख सकते हैं जो प्लेयर हम अनाउंसमेंट नहीं किए, वो बाद में उनको प्लेयर को हम लोग यूज कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब हमारे प्लेयर वो खेल नहीं रहे हैं, लेकिन लास्ट में कोई प्लेयर इंजर्ड या कोई प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म चल रहा था, हम किसी भी प्लेयर को हम उनके बदले उतार सकते हैं, जिसके बदले हम लोग रिप्लेसमेंट करते हैं उस प्लेयर को, हम दोबारा मौका नहीं देते हैं उस मैच में, लेकिन उसके बदले अब जो प्लेयर आता है सब टाइटल प्लेयर, और उस सब टाइटल प्लेयर खेलता है तो सब टाइटल का जो प्लेयर लिया रहता है उसको ज़्यादा चांसेस रहता है कि वो जो कि है ड्रीम इलेवन में काफ़ी ज़्यादा नंबर वन पर, या उसके पॉइंट्स ज़्यादा जल्दी उसके आगे आते हैं। वजह यह होता है कि सब टाइटल प्लेयर को लोग अधिकतर लोग नहीं चुने, तो उसी प्लेयर को अधिकतर चुनते हैं जो प्लेयर खेल रहे होते हैं। और खेलने वाले प्लेयर अचानक वो इंजर्ड हो जाए और प्लेयर वो बैटिंग करे ना बॉलिंग नहीं करे और उसके बदले सब टाइटल प्लेयर रख जाए, तो उसके बदले सब टाइटल प्लेयर को आपको पॉइंट्स मिलते हैं और ना ही जो और जो होता है जो प्लेयर आप खेल रहे होते हैं वो प्लेयर उनका नहीं खेलता है, तो उसके प्लेयर उसका जो पॉइंट्स होते हैं उसके शून्य हो जाते हैं। मतलब कहा जा सकता है कि वो प्लेयर काम के आते हैं जो प्लेयर लास्ट समय में देखने को मिले, मतलब कहीं ना कहीं आपको लास्ट चांसेस के लिए ये सब टाइटल प्लेयर आप काम के देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे बताइए जानकारी के लेकर आप क्या कर रहे थे, हमें कमेंट्स को बताइएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक दोस्तों शेयर कीजिएगा और चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस।